गुड आफ्टरनून। तो आज हम सब लेके आए हैं आप सभी के लिए ट्रांसफॉर्म कैलकुलस, नया टॉपिक है आपके लिए। और इसके अंतर्गत इसमें जो भी हमारे टॉपिक्स आएंगे वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो हम किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम स्टार्ट आज करने जा रहे हैं सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म। व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म? द लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज एन ऑपरेशन डिनोटेड बाय एल व्हिच इज द कैपिटल लेटर्स व्हिच एसोसिएट्स टू ईच फंक्शन ऑफ टी वेयर टी इज द ग्रेटर देन जीरो, दैट इज द पॉजिटिव। पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है इसमें, है ना। दैट इज कॉल्ड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी which is defined Laplace of ft is equal to 0 to infinity e to power of minus st into function of t into dt, or hum isko kya le sakte hain, f of s is equal to 0 to infinity e to power of minus st into ft into dt। kuch book mein small s ke replace par p ka use bhi kiya jata hai, to aap confuse nahi ho। एस इज द पैरामीटर, अगर पी वर्ड वहाँ पर चूज किया गया है तो उसको पी इज ए पैरामीटर वर्ड होगा। वेयर एल, एल इज ए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर। तो हर ऑथर अपने हिसाब से ले सकता है। तो स्मॉल एस का भी यूज उसने वो लोग करते हैं और स्मॉल पी का, तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखें आप। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म दैट इज द Laplace of ft is equal to 0 to infinity e to power of minus st into ft. So e to power of exponential function with parameter into function का multiple। अगर यही चीज़ अगर हम reverse करते हैं तो inverse बन जाता है, जो कि आगे के chapter में हम आपको बताएंगे, है ना। तो ये चीज़ अपने ध्यान रखनी है। तो Laplace transform से हम किसी भी function का एक Laplace निकाल सकते हैं, बशर्ते कंडीशन क्या होनी चाहिए कि टी ऑलवेज पॉजिटिव। मस्ट फर्स्ट कंडीशन वो पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर पॉजिटिव नहीं है तो हम आप उसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डिफाइन नहीं कर सकते। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों सम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। क्लियर? तो कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिनका कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियो आगे देखने हैं तो जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, है ना, तभी आप अच्छे से अच्छे जो आपके टॉपिक्स हैं वो हम आपके सामने लाते रहेंगे। क्लियर? तो ये चीज़ स्पेशली ध्यान दें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, कुछ ऐसे फंक्शन हैं कि जिनको जिनका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म इजीली निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे हम अच्छे चैनल आपके पास कैसे ला पाएंगे बार बार। तो कोशिश करें आप, अगर आपको अच्छा लगता है कि काफ़ी टॉपिक आपके कवर करते हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ध्यान रखें, है ना। तो स्टार्ट, ऐसे फंक्शन जो कि स्टैंडर्ड हैं और बहुत बार यूज़ किए जाते हैं, हर जगह यूज़ किया जाए, इवन आप अपने मैथ के अलावा भी अदर्स सब्जेक्ट में जाएंगे तो वहाँ भी यूज़ होंगे, है ना। तो ऐसा नहीं सिर्फ एक जगह ही। तो स्टैंडर्ड फंक्शन, जैसे सबसे पहले हम अगर बात करें फर्स्ट पॉइंट, है ना, जैसे अगर हम एफ टी की वैल्यू ई टू पावर ऑफ ए टी ले लें, क्लियर, सिंपल सा ज़्यादा हमने टिपिकल अभी आपके सामने लाए लेके ही नहीं आ रहे हैं, है ना। फिर हम धीरे धीरे स्टैंडर्ड हम बढ़ाते जाएंगे आपके सामने, टिपिकल और टिपिकल उनका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकाल सकते हैं। सो लाप्लास, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का तरीका, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू पावर, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो दोस्तों हम फॉर्मूला लिख सकते हैं पहले, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी
e to power of minus st into ft into dt। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता हो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, है ना। तो लाप्लास ऑफ e टू पावर ऑफ ए टी इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी e टू पावर ऑफ माइनस एस टी, व्हाट इज द एफ टी, e टू पावर ऑफ ए टी। तो हम एफ टी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, क्लियर। सेम पावर्स हैं तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, e टू पावर ऑफ माइनस एस टी प्लस ए टी इंटू डी टी। ओके, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, e टू पावर ऑफ माइनस एस माइनस ए, अगर हम t कॉमन ले लें तो ये, क्लियर। अब आप इसका इंटीग्रल इजीली कर सकते हो बहुत आसानी से। सो जीरो टू इन्फिनिटी विद द लिमिट विद रेस्पेक्ट टू t, सो व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ e टू पावर ऑफ ए टी इंटू डी टी का इंटीग्रल कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, e की पावर ऑफ ए टी अपॉन ए, यस। सो हियर e टू पावर ऑफ माइनस एस माइनस ए अपॉन में क्या आना चाहिए, एस माइनस ए, क्लियर। आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, ये जरूर ध्यान रखें, अगर आपको बिल्कुल अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये इंटीग्रल ऑफ e टू पावर ऑफ माइनस एस माइनस ए, तो इजीली हम लोग इंटीग्रल ला सकते हैं और आसान भी है इंटीग्रल इसका, e की पावर ऑफ ए टी इंटू डी टी का, जो कि आपने 12th में पढ़ा ही है। सो लाप्लास ऑफ e टू पावर ऑफ ए टी इज इक्वल टू क्या होगा, कॉमन पार्ट क्या बाहर हम ले लें, e टू पावर ऑफ s माइनस ए, तो हम यहाँ पर s माइनस ए, जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, s माइनस ए जीरो टू इन्फिनिटी और ये स्मॉल t, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी में पढ़ा ही है ना, f ऑफ a टू b f ऑफ t इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ t और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपर माइनस लोअर, e टू पावर ऑफ माइनस s माइनस a, क्लियर, इंटू t के रिप्लेस पर इन्फिनिटी। तो चाहे तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं e टू पावर ऑफ माइनस इन्फिनिटी e टू पावर ऑफ माइनस जीरो, है ना, e टू पावर ऑफ माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। e टू पावर ऑफ माइनस जीरो कितना होगा, वन, वन, देन मल्टीप्लाई वन अपॉन एस माइनस ए, माइनस माइनस प्लस, और हियर लाप्लास ऑफ e टू पावर ऑफ ए टी, तो ए वेयर ए इज द पॉजिटिव इंटीजर और मे बी नेगेटिव इंटीजर, माइनस वन भी हो सकता है, प्लस टू भी हो सकता है, विच इज द इंटीजर नंबर, आप इजीली निकाल सकते हैं e की पावर ऑफ ए टी का। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन जो कि आप कर सकते हो e की पावर ऑफ ए टी के लिए, e टू पावर ऑफ टू टी, e टू पावर ऑफ माइनस टू टी, e टू पावर ऑफ थ्री टी, माइनस थ्री टी, ऐसे बहुत सारे जो कि आसानी से जिनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो सकता है, क्लियर। ऐसे हम स्टैंडर्ड फंक्शन का स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे करके, अगर आपको अच्छा लगता हो, अगर जो बताया है हमारा वीडियो, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, ध्यान रखें, है ना, ताकि हम इससे और अच्छे अच्छे बेटर हम आपके सामने वीडियो चैनल लेके आएंगे, बताते जाएंगे। तो एक सिंपल सा तरीका कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज बहुत सारे फंक्शनों में हम कर सकते हैं, बशर्ते जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल होना चाहिए, है ना, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चलिए, हाँ, ओके।